सो हाई गाइज, दिस इज़ लगन गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग गुप्ता जी जोन। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन में हिस्मोन बार कैसे विन करें, तो इस वीडियो को देखते रहेगा लास्ट तक। तो गाइज, कल मैंने एक लीग ज्वाइन की थी, वो आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले इसी मैच में खाली मैंने एक लीग ज्वाइन की थी, उससे पहले मैंने 15-15 लीग ज्वाइन की थी सेम एंटरप्रीज वाली। अब इसमें होता क्या है, मैं फर्स्ट आ गया गाइस, क्योंकि इसमें 10 में से 5 विनर्स होते हैं, तो मैंने 22 इन्वेस्ट किए और 36। तो गाइस, स्मॉल लीग विन करने के लिए मैं आपको मेन टिप्स थोड़ा बाद में बताऊंगा, अभी मैं बताता हूं कि कौन सी लीग आपको ज्वाइन करनी चाहिए। तो गाइस, अभी मैं बताता हूं सिंपल सा आपको लीग कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 16 रुपये, या फिर आप 36 रुपये वाली लीग ज्वाइन कीजिए। जी हाँ गाइस, या तो आप 16 वाली कीजिए 36 वाली, क्योंकि आज ये टिप सिर्फ इसी लीग्स के लिए, 16 और 36 रुपए वाली, ये जो दिख रही है ना 10 टीम और 5 विनर, 10 टीम 5 विनर, इसके लिए है गाइस। अब इसमें आप 5 तक आ जाते हो तो 60 रुपए जीत जाओगे आप 36 में, और अगर 16 पर आ जाते हो तो 26 रुपए, लेकिन आप गारंटेड जीतोगे इस ट्रिक के जरिए। अब गाइस, सबसे पहला अगर हम किसी भी लीग को विन करने के लिए सबसे पहले हमें अच्छी टीम बनानी होती है, तो गाइस मैं बताऊंगा अब आपको अच्छी टीम्स बनाते कैसे हैं। तो गाइस, इसके लिए मैं लूँगा एक साइड की हेल्प, जिससे हमारी बन जाएगी विनिंग टीम और हम आसानी से विन कर जाएंगे। इन्हीं लीग में नहीं, इस लीग में तो गारंटेड है, बाकी किसी और लीग में भी आप विन कर सकते हो। तो अभी मैं चलता हूँ, एक वेबसाइट है गाइस, उस पर मैं आपको ले चलता हूँ अभी। तो गाइस, आपको सिंपल सा यहाँ पर सर्च कर देना है bet365 और ओके दबा देना है। अब गाइस, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब गाइस, मैं बताता हूँ ये वेबसाइट क्या है। ये bet365 एक बैटिंग साइट है, जहाँ लोग बैटिंग कर सकते हैं। तो इस साइट के जरिए हम ड्रीम इलेवन की टीम बनाएंगे, ताकि हम आसानी से विन कर जाए, क्योंकि गाइस ये तो बैटिंग साइट है। अब इनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं कि किसका भाव ज़्यादा होना, किसका कम होना, तो इनके प्रेडिक्शंस बहुत हाई प्रोफाइल लोग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं क्रिकेट की, तो उनका ही हम सहारा लेंगे आज। तो मैं क्रिकेट पर चला जाता हूँ। अब गाइस, मैं आपको सिंपल से टीम बनाकर दिखाता हूँ, जैसे विंडीज और बांग्लादेश की। तो मैं यहाँ से उस टीम के लिए मैं यहाँ से प्रिपेयर करूँगा। अब गाइस, सबसे पहले हमें देखना है कि मैच विनिंग चांसेस किसके ज़्यादा है, जैसे विंडीज़ के। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि सबसे जो कम भाव है वो विंडीज़ के हैं, और ज़्यादा भाव बांग्लादेश के, मतलब ये बोलता है कि विंडीज़ के जीतने के ज़्यादा चांसेस है वेस्ट इंडीज़ के। तो अभी मैं चलता हूँ ड्रीम इलेवन की टीम पर। तो आपको क्या करना है, अभी हम चलते हैं बैटिंग पर। अब यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा टॉप टीम बैट्समैन, ठीक है गाइस। सो गाइस, इस टॉप टीम बैट्समैन में से हम विंडीज के पहले बैट्समैन चुनेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो क्रिस गेल, इवन लुइस, इन दोनों के भाव सबसे कम है, मतलब ये समझते हैं, ये बैटिंग साइड समझती है कि ये दोनों के ज़्यादा चांसेस है परफॉर्म करने के। तो चलिए, जिसके ज़्यादा चांसेस हम पहले उसे ले लेते हैं। तो हम पहले क्रिस गेल और इवन लुइस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस, मैंने कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरी टीम पर, हम चलते हैं बांग्लादेश की टीम पर। तो मैं गया बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के हिसाब से तमीम इकबाल एक ऐसे बैट्समैन है जिनके बहुत कम रेटिंग है, मतलब इनके परफॉर्म करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, bet365 के हिसाब से। तो मैं करता हूँ इसको, यहाँ पर तमीम इकबाल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं उन प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनके परफॉर्म करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब गाइस, मुझे मैं सिलेक्ट करता हूँ बॉलर्स, तो मैं जाता हूँ टॉप टीम बॉलर्स में। तो जैसे ही आप टॉप टीम बॉलर्स में जाओगे, यहाँ पर मैं चलता हूँ सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ के टॉप टीम बॉलर्स में। तो आप देख सकते हो देवेंद्र बिशो, जेसन होल्डर और असले नर्स, ठीक है गाइस, इन तीनों के परफॉर्म करने के बहुत ज़्यादा चांसेस, क्योंकि सबसे कम इनकी रेटिंग है, ठीक है। अब गाइस, ये कैसे देखेंगे कि सबसे कम भाव किसके हैं, तो आपको जो है हमेशा ध्यान देना है, चाहे आप टॉप टीम बैट्समैन में जाइए, टॉप टीम बॉलर्स में जाइए, आपको सिर्फ पहले तीन वाले नंबर्स पर ध्यान देना है, ठीक है गाइस। अभी मैंने क्या किया है, मैंने पहले दो वाले नंबर्स पर ध्यान दिया है, वो क्यों, क्योंकि क्रिस गेल, इवन लुइस का भाव सबसे कम है, लेकिन शायोग का फिर बहुत ज़्यादा भाव ज़्यादा हो गया, 5 हो गया। अगर यह 4 रहता तो मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता, इस वजह से मैंने सिलेक्ट नहीं किया। तो गाइस, अब मैं जाता हूँ टॉप टीम बॉलर्स में। अब टॉप टीम बॉलर्स में देवेंद्र बिशो, जेसन होल्डर और अश्विन नर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं।
अब मैं चाहूँ तो कीमो पोल को भी ले सकता हूँ, आंद्र रसेल को भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं लेना चाहता। मैं पहले टॉप थ्री की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमें 11 प्लेयर्स ही चूज़ करने होते हैं। तो मैं इन तीनों प्लेयर्स को ले लेता हूँ, क्योंकि बैट 365 मैंने जैसा पहले बताया है कि ये वर्ल्ड की पॉपुलर बैटिंग साइड है, तो इनके प्रेडिक्शंस अच्छे होते हैं। तो देवेंद्र बिश्व, जैसन और अश्विन दास को मैं अपनी टीम में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं करता हूँ सिलेक्ट देवेंद्र बिश्व। अब गाइस, ये प्लेयर खेलने वाले भी हैं, ये बात ध्यान रखिए। पहले प्लेइंग 11 निकाल लीजिए, उसके हिसाब से आप चूज़ कीजिए। तो मैंने प्लेइंग 11 निकाल रखी है, मुझे पता है क्या है, इस वजह से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं करता हूँ देवेंद्र बिश्व को, मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक है गाइस, और यहाँ पर सॉरी गाइस, देवेंद्र बिश्व को, और यहाँ पर मुझे करना है वेस्ट इंडीज़ के। तो यहाँ पर दो और जो हमारे पास ऑप्शन थे उसमें जेसन होल्डर और अश्विन नर्स, तो मुझे अश्विन नर्स तो यहाँ पर मिल गया। अब मैं जेसन होल्डर को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस टीम के बॉलर्स हमें सिलेक्ट हो गए। तो गाइस, अब मैं बॉलर सिलेक्ट करूँगा बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश में देखिए आप, जैसे मुस्तफिजुर रहमान, इसके भाव है 4, मतलब 100 लगाओगे तो 400 मिलेंगे। मेहंदी हसन के 100 लगाओगे 400, शाकिब उल हसन के 100 लगाओगे 400, मशरफ मुर्तजा के 450, रुबेल हसन के 450। 1, 2, 3, मतलब 5 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन हम 5 को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप दो टीम बनाते हो, लेकिन स्मॉल लिस्ट में दो टीम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम पहले, हमें लगता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान को और अहम हसन को मैं पिक कर लेता हूँ, और शाकिब उल हसन को मैं टॉप थ्री को पिक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान, और यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन थे मेहंदी हसन, और यहाँ पर एक और ऑप्शन था शाकिब उल हसन। तो मैंने टॉप थ्री बॉलर्स यहाँ से भी पिक कर लिए, ठीक है गाइस। सो गाइस, इस तरीके से मेरे बैट्समैन सिलेक्ट हो गए, बॉलर्स सिलेक्ट हो गए। अब मैं देखता हूँ मेरी ड्रीम 11 की टीम में कौन अभी कितने प्लेयर्स और बाकी हैं। सो गाइस, अब आप देख सकते हो मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पर दो और प्लेयर्स। अब मैंने यहाँ से तो कर लिए बैट 365 में, अब दो प्लेयर्स में मुझे एक विकेट कीपर सिलेक्ट करना है और एक और बैट्समैन में। अब गाइस, अब आपको, आपके पास अगर एक दो प्लेयर्स ऐसे बचते हैं तो गाइस, अब आपको फॉर्म देखना है। जैसे पिछले मैचेस में जो है सिमरन हिटमैन ने 100 बनाया था गाइस, तो मैं पिछले फॉर्म के हिसाब से इसे ले लेता हूँ, क्योंकि इसको भी मैं ड्रॉप नहीं कर सकता, तो मैं इसको ले लेता हूँ। अब मुझे एक विकेट कीपर सिलेक्ट करना है, ठीक है गाइस। तो गाइस, अब मैं विकेट कीपर कैसे सिलेक्ट करूँ, तो आपको क्या देखना है, अब आपको विकेट कीपर के लिए जो है आपको देखना है कि किसको ज़्यादा बैटिंग करने के चांसेस मिल रहे हैं। मतलब आपको पता लग जाएगा कि किसके ज़्यादा बैटिंग करने के चांसेस मिलते हैं, कौन सबसे जल्दी ऊपर आता है बैटिंग ऑर्डर में। तो गाइस, यहाँ पर तो दोनों ही बैटिंग ऑर्डर में सेम आते हैं, और मुश्फिक और रहीम थोड़ा नीचे आते हैं। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर बैट 365 का सहारा लेंगे। तो गाइस, मैं आ गया टॉप 10 बैट्समैन में। अब हमारे पास विकेट कीपिंग के लिए ऑप्शन है शाई होप, और दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मुश्फिकर रहीम। तो गाइस, शाई होप की रेटिंग आप देख सकते हो, 100 लगाओगे तो 500, मतलब बहुत ज़्यादा है। मुश्फिकर रहीम का भी आप 100 लगाओगे 500, मतलब दोनों का सेम है। लेकिन रिजेंट फॉर्म अब हमें देखना है, क्योंकि दोनों का सेम है, तो रिजेंट फॉर्म किसका अच्छा है। तो रिजेंट फॉर्म जो है मुश्फिकर रहीम का अच्छा है, तो मैं इसे पिक कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी टीम बन गई है। अब बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो आप अभी हमने देखा था कि क्रिस गेल, इवन लुइस और तमीम इकबाल, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से क्रिस गेल, इवन लुइस के सबसे ज़्यादा रेटिंग थे, और तमीम इकबाल की जो है बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा रेटिंग थे। तो गाइस, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हम तो ड्रीम 11 की टीम चूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो ऑलराउंडर्स को लेना एक एडवांटेज है, क्योंकि वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। हम तो पॉइंट सिस्टम के हिसाब से प्लेयर्स को चूज़ करेंगे, किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएं। तो गाइस, रिजेंट जो अब हम बना लेते हैं किसी एक को कैप्टन, जैसे शाकिब उल हसन है, इसकी रेटिंग भी कम थी वहाँ पर, मतलब इसके भाव भी कम थे बैट 365 में, तो मैं इसको बना देता हूँ कैप्टन। अब ऐसा क्यों, क्योंकि शाकिब उल हसन बॉलिंग भी करेंगे, इसके इनके भाव बैटिंग में भी अच्छे खासे थे, और बॉलिंग में तो हमने देखा ही था कि इन्हें चूज़ किया था हमने जो एक ऑलराउंडर सेक्शन में अभी, तो इन्हें हमें बॉलिंग में चूज़ किया था कि शाकिब उल हसन के बहुत कम भाव हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस, अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ कैप्टन में शाकिब उल हसन को, ठीक है,
क्योंकि हमारा दोनों काम करेंगे बैटिंग और बॉलिंग का। अब वाइस कैप्टन के लिए मैं चूज़ कर लेता हूँ, या तो मैं चूज़ कर लेता हूँ क्रिस गेल इवन लुइस को, ठीक है, या फिर मैं तमीम इकबाल को चूज़ कर लेता हूँ। तो गाइस ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा प्लेयर आपको चूज़ करना है। देखो क्रिस गेल का मैं बता दूँ, ये चलेंगे तो बहुत बड़ा करेंगे, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे। इवन लुइस अच्छा परफॉर्म करते आते हैं, तो इनको आप बना सकते हो, या फिर जो अच्छे फॉर्म में अभी और ज़्यादा अच्छे फॉर्म में कौन नज़र आ रहा है, तो मुझे तमीम इकबाल आ रहा है, तो मैं इसको वाइस कैप्टन बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास तीन ऑप्शन है, क्रिस गेल, इवन लुइस, तमीम इकबाल, तो मैं तमीम इकबाल को बना दूंगा। तो मेरे बन गए अब कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है गाइस। सो गाइस इस तरीके से मेरी बन गई पूरी टीम, ठीक है गाइस। तो अब ये बन गई मेरी विनिंग टीम, मैं जाऊंगा और लीग ज्वाइन कर लूंगा और मैं हारूंगा ही नहीं, ठीक है गाइस। वो लीग में जो मैंने बताई थी, वो लीग अगर आप ज्वाइन करते हो इस तरह टीम बनाकर, तो आप कभी नहीं हार सकते। अगर आपको भी ऐसी डेली टीम चाहिए तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं एक नया चैनल बना सकूं और आपको भी कुछ विन करवा सकूं मैं स्मॉल लीग्स में। तो गाइस इस तरह आपको टीम चूज़ करनी होती है, तभी आप विन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्टैट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, जैसे हमें बैट 365। अब गाइस बैट 365 में हमें टीम चूज़ की तो कितना टाइम लग गया, मतलब हमें 8 से 10 मिनट लग गए हैं गाइस टीम चूज़ करते करते, तो समय लगता है गाइस। और इस तरह आप विनिंग टीम बना सकते हो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो, और कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगेगी नहीं आपको टिप। और अगर आपको डेली ड्रीम 11 की टीम चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं एक नया चैनल बना दूँ। थैंक्स, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।